स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं और आप सब बहुत अच्छे से उन परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं। यहाँ आज मैं आपको जो बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी की है उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर एक्सरसाइज कराने जा रही हूं, उसको अपन हल करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है 80 मार्क्स का, और आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है चार सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके हिसाब से जो 32 मार्क्स रहेंगे आपके 80 में से, मतलब 40% मार्क्स जो रहेंगे वो किस पर बेस्ड रहेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट में तो बच्चों आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद आपके मार्क्स वाइज क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ इंग्लिश में आपके जो 32 मार्क्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर बांटे गए हैं उसको हम एक बार जरूर समझ लें ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी जाए। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेक्शन ए में जो है वो 10 दो सब पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अनसीन पैसेज, जो कि है एक 10 नंबर का रहेगा और एक रहेगा, मतलब टोटल 10 मार्क्स इस पे हैं। और ये जो अनसीन पैसेज है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पे बेस्ड रहेगा। और जो दूसरा सब पार्ट है वो है नोट मेकिंग समराइजेशन। तो ये नोट मेकिंग वाला पार्ट है, इसको भी मैंने बेटा बहुत अच्छे से आप सबको प्रैक्टिस करवाई है और ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का, और इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस घर पे बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपको टाइम लिमिट मेंटेन हो जाएगी, नहीं तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग को करने में ही चला जाएगा, तो बाकी का पेपर आपके लिए दिक्कत जाएगा। सेक्शन भी अगेन राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें लेटर, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और आपके लॉन्ग कॉम्पोजिशन आएंगे, इसका वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करूंगी। सेक्शन सी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड वो है आपका ग्रामर पोर्शन। ये जो ग्रामर पोर्शन है अगेन 2 पार्ट में है, एक है आपके फिलर क्वेश्चंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, और सेकंड में आएगा आपको डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस। ये जो फिलर क्वेश्चंस हैं ये भी कितने हैं, एक आएगा 5 मार्क्स का और दूसरा भी आएगा 5 मार्क्स के, 5 एक्सरसाइज रहेंगे, तो टोटल आपका इन ऑल देखें तो ये दोनों होते हैं टोटल 10 मार्क्स के। इसके बाद जो आपका सेक्शन डी यानी टेक्स्टुअल पोर्शन बचता है, टेक्स्टुअल आपको जिसमें लेसन है, पोएट्रिक है और इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर बुक से भी जो लेसन वगैरह आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे किस पे आएंगे, सेक्शन डी में आएंगे, टेक्स्टुअल पार्ट में आएंगे। और ये भी कैसे रहेंगे, ये 3 सब पार्ट में डिवाइड है, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे पोएट्री सेक्शन प्रोज में से, दूसरा है आपका पोएट्री सेक्शन और तीसरा है आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से जो आएगा। ये तीनों का ऑल टोटल होता है 5, 3 और 4, टोटल इन ऑल होते हैं 12 मार्क्स। पार्ट है इसमें से आपको 3 एक्सट्रैक्ट देंगे, उसमें पहला एक्सट्रैक्ट रहेगा प्रोज सेक्शन यानी लेसन वाले सेक्शन से, दूसरा रहेगा आपको पोएट्री सेक्शन से और तीसरा रहेगा सप्लीमेंट्री रीडर बुक से। तो ये तीनों के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और वो रहेंगे आपके 12 मार्क्स से। तो हम देखें तो 10 अनसीन पैसेज पोर्शन से, 10 ग्रामर पोर्शन से और 12 जो है वो आपके MCQ पैटर्न टेक्सुअल पार्ट से रहेंगे, तो टोटल जो
32 मार्क्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के रहेंगे। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे इंग्लिश में, तो मैंने आपको ये एक बता के समझाया है और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। इसके अंतर्गत अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस आप घर में करिए, इससे संबंधित वीडियो लिंक मैंने बार बार आपको ग्रुप में शेयर की है ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। साथ में नोट मेकिंग की भी प्रैक्टिस आप करिए, इसकी भी वीडियो लिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको शेयर की हुई है ग्रुप में, आप ना हो तो उसको JMC डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक जारी की है उसमें जो ग्रामर की एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे फिलर क्वेश्चंस में से जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, आई हैव सीन डैश प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी। यहाँ पर क्या लगाना है? आर्टिकल। तो आई हैव सीन द प्लेसेस, राइट आर्टिकल क्या आएगा? आई हैव सीन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी। थर्ड देखो, द बॉय डैश द बर्ड, राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? कैचेस, द बॉय कैचेस द बर्ड। यहाँ पर लिखने की जगह इतनी नहीं है इसलिए आप लोग यहाँ पर बाजू में अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थर्ड, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सही आंसर है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी बहुत थोड़ा ज्ञान जो होता है ना वो क्या होता है? वो खतरनाक भी हो सकता है। फोर्थ, आई थिंक इट रेन टुडे, आई थिंक इट मे रेन टुडे, यानी हो सकती है, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है। फिफ्थ देखो, देयर आर डैश प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सिक्स देखो बच्चों, माय ब्रदर इज डैश इंजीनियर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल कैसा लगेगा? एन, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। सेवन देखो, डिड यू बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप, डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो जो लगेगा यहाँ पर वो आएगा एनी। एट्थ देखो, आई डोंट लाइक डैश ऑफ दीज मोबाइल्स, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ दीज मोबाइल्स, मुझे इन मोबाइलों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, ईदर। नाइन्थ, यू डैश स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, करना चाहिए आपको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। टेंथ, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम एक मैच खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। इलेवेंथ, माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, माई फ्रेंड्स लिव्स इन न्यू दिल्ली। ट्वेल्थ देखो, वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। थर्टींथ, राम प्रेफर्स मिल्क डैश टी, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, राम दूध ज्यादा पसंद करता है चाय के बदले। 14, मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन, यहाँ पर वॉवेल साउंड है लेकिन वो कॉन्सोनेंट या व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, वाई की ध्वनि दे रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये थोड़ा कंफ्यूजनिंग हो जाता है आर्टिकल में, तो मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। 15, आई हैव डैश फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, काउंटेबल है इसलिए यहाँ पे आएगा मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। 16, डैश रामायण इज अ सेक्रेट बुक, रामायण यूनिवर्सल है, बहुत सार्वभौमिक है, तो जो एक फेमस रहती है उसके नाम के आगे द आर्टिकल लगता, तो क्या हो जाएगा? द रामायण इज अ सेक्रेट बुक। 17, माई ग्रांड मदर इज हार्ड डैश हियरिंग, माई ग्रांड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग,
18th, डैश गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, यहाँ विश कर रहा तो आएगा मे, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर. 19th, द बिल्डिंग हैज डैश डाउन, द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन. He distributed sweets among children. बच्चों के बीच में, तो वहां आएगा among. He distributed sweets among children. 21st देखो, dash her soul rest in peace. यहां पर भी हम wish कर रहे हैं, तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे. 22nd, दे अपोलाइज्ड डैश द ओल्ड लेडी, दे अपोलाइज्ड फॉर द ओल्ड लेडी. 23rd, आई डिडंट फाइंड डैश देयर, आई डिडंट फाइंड एनी वन देयर, मैंने किसी को भी वहां नहीं देखा. 24. She doesn't have dash friends to help her. She doesn't. जब भी कैसा आता है, negative आएगा, तो वहाँ पर any आएगा. She doesn't have any friends to help her. 25th. You dash go to Mumbai tomorrow to attend the meeting. You will have to go to Mumbai tomorrow to attend the meeting. फिर से बोलिए, यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग. 26. आई एम नॉट नेक्शियस डैश माई एग्जाम, आई एम नॉट नेक्शियस अबाउट माई एग्जाम. 27. वी कीप अवर फूड इन द फ्रिज, हम अपने खाने को फ्रिज में रखते हैं. डैश इट डज नॉट गो बैड, जिससे कि ये खराब नहीं होता, तो यहां पर आएगा सो दैट. बच्चों सो दैट का यूज आपको डू एज डायरेक्टेड में भी आएगा. 28. यू डैश नॉट फील सॉरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक. 29. डैश रूम फॉर दिस होटल इज एन एसी, यहां पर आएगा Each room of this hotel has an AC. 30th. He is good dash English. He is good at English. Dash I do that sum for you. Shall I do that sum for you? यहाँ क्या आएगा? Shall. 32. No sooner did the boy see the cobra, He run away. जैसे ही बच्चे ने कोबरा स्नेक को देखा, then he run away. जैसे ही देखा वैसे ही वो भाग गया. 33. This task has been equally divided between you and dash. तो यहाँ पर आएगा this task has been equally divided between you and me. तुम्हारे और मेरे बीच ये कार्य बराबर से बांटा गया है. 34. When Rohan was a small child, he dash spent hours every day playing marbles in the street. When Rohan was a small child, he would spend hours every day playing marbles in the street. 35. Dash, the better team Australia lost the match against Bangladesh. यहाँ पे क्या आएगा? Despite being better team, Australia lost the match against बांग्लादेश. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? Despite being. 36. Your health is deteriorating day by day. You dash better see a doctor. Your health is deteriorating day by day. You had better see a doctor. 37. I will finish this project in dash year. I will finish this project in a year.
38. द प्लेन टुक डैश एट 8:30 AM. द प्लेन टुक ऑफ OFF. द प्लेन टुक ऑफ एट 8:30 AM. 39. लेट द चाइल्ड डैश इट्स बीन डार्क आउटसाइड. लेट द चाइल्ड इन इट्स बीन डार्क आउटसाइड. 48. द टाइम इज रनिंग डैश हरी अप. द टाइम इज रनिंग आउट हरी अप. बच्चों ये थे 40 एक्सरसाइज और इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं 41. व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस. यहाँ पे क्या आएगा? फॉर. 42. दिस कोर्स विल हेल्प यू डैश योर स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ पे आएगा दिस कोर्स विल हेल्प यू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स. 43. व्हेन आई अप आई विल बी अ पायलट. व्हेन आई ग्रो अप I will be a pilot. 44. He wants to be a better dash and earn more money. He wants to get a better job and earn more money. 45. I dash the piano since the age of 5. I am playing the piano since the age of 5. मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही पियानो बजाना सीख रहा हूँ. 46. Warning. No entry for strangers at, sorry, dash this point. यहाँ पे आएगा beyond. No entry for strangers beyond this point. 47. I did it. I was off work. I did it while I was off work. 48. If we want to avoid another's loss, we should take protective measure immediately. If we want to avoid another loss, then we should take protective measures immediately. 49. You should go to bed soon. We have to rise early tomorrow. You should go to bed soon as we have to rise early tomorrow. 58. The questions dash are on page 194. Answer hai. The questions to be are on page 194. To bachcho ye the exercise jo 5 marks ke liye bahut zyada upyogi hai grammar portion mein. To aap in sab ki bahut acche se practice kijiye. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डूएस डायरेक्टेड हल करके सिखाऊंगी.